Hello dear students, welcome to another session on 360 biology tutorials by Tanvir Malik. In this particular lecture we are going to talk about another very important topic from the body fluids and circulation, that is structure of human heart. Okay, चलिए बेटा आज हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, हाँ, हार्ट क्या है? हार्ट समय सबसे पहले हमें पता है कि इट्स अ मस्क्यूलर पंपिंग ऑर्गन. ठीक है, ये क्या है? मस्क्यूलर पंपिंग ऑर्गन है. ठीक है ना, एक तो ये मसल्स का बना होता है. किन मसल्स का बना होता है? कार्डियक मसल्स का बना होता है. ठीक है, और ये पंपिंग ऑर्गन है, यानी कि ये हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, और इसी की वजह से हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास ब्लड पहुंचता है. ठीक है, अब चलिए बेटा इस ह्यूमन हार्ट की साइज के बारे में बात करते हैं. इसका साइज जो होता है दैट इज इक्वल टू द क्लोज्ड फिस्ट. एक मुट्ठी जो होती है, ये मैंने बंद किया तो इसी तरीके का इतना ही साइज होता है हमारे ह्यूमन हार्ट का. ठीक है, हाँ, चलिए अब इसका जो वेट होता है, वेट रेंजेस बिटवीन 250 to 340 grams. ठीक है, तो इसका जो वेट होता है दैट रेंजेस बिटवीन 250 to 340 grams. लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि फीमेल्स में थोड़ा सा वेट कम होता है, लेकिन मेल्स में एज कम्पेयर टू फीमेल्स वेट थोड़ा ज्यादा होता है. ठीक है, अब चलिए इसके लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं. लोकेशन ये कहां पे होता है हार्ट हमारा? याद रहेगा, हार्ट इज प्रेजेंट इन द थोरैसिक कैविटी. जो हमारे थोरैक्स रीजन में कैविटी है, जिसको हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, और इसी थोरैसिक कैविटी में ये प्रेजेंट होता है बिटवीन टू लंग्स. तो यहां पे मैं थोड़ा सा इसका बनाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए. ये मान लीजिए ये हैं दो लंग्स, और ये है नीचे से डायफ्राम. ठीक है ना, अब इन दो लंग्स के बीच में जो स्पेस है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज मीडियास्टिनम. इसको हम क्या बोलते हैं? मीडियास्टिनम बोलते हैं. और इसी मीडियास्टिनम में मैं बोल रहा हूं कि हार्ट कहां पे है? थोरैसिक कैविटी में. थोरैसिक कैविटी में कहां पे है? बिटवीन द टू लंग्स देयर इज अ स्पेस कॉल्ड मीडियास्टिनम. और मीडियास्टिनम में ये हार्ट प्रेजेंट होता है, एंड इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग. यहां पे जो लेफ्ट लंग होता है, आप बोल रहे हो कि ये मैं बता रहा हूं दिस इज लेफ्ट लंग, दिस इज राइट लंग. आपको दिख रहा होगा कि ये लेफ्ट है, ये तो असल में राइट है, ये तो लेफ्ट है, लेकिन नहीं, जब हम इसको किसी बॉडी में चिपकाएंगे, ये मान लीजिए ऐसे है. ठीक है ना, मेरी बॉडी में ऐसे लंग्स हैं, तो ये बन जाता है लेफ्ट, ये बन जाता है राइट. तो लेफ्ट लंग जो होता है, लेफ्ट लंग के नीचे वाले साइड से यहाँ पे इस तरीके से हार्ट प्रेजेंट होता है. ठीक है ना, और इस लेफ्ट लंग में एक डिप्रेशन क्रिएट होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक नॉच. ओके, इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक नॉच. तो इसी कार्डियक नॉच में टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट, और इस कार्डियक नॉच इट इज अ डिप्रेशन क्रिएटेड बाय हार्ट इन द लेफ्ट लंग. ठीक है, हाँ, चलिए ये तो हो गई लोकेशन. अब चलिए जो ये हार्ट होता है, इट्स एक्सटर्नली कवर्ड बाय पेरिकार्डियम. इसको बाहर से कौन सी लेयर होती है? पेरिकार्डियम की लेयर होती है. ठीक है, अब ये पेरिकार्डियम जो होता है, पेरिकार्डियम इज इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स. पेरिकार्डियम भी कितने लेयर्स में डिवाइड होता है? दो लेयर्स में. एक को हम बोलते हैं आउटर फाइब्रस लेयर, एंड अनदर इज इनर सिरस लेयर. चलिए मैं बता रहा हूं, हार्ट का जो वॉल होता है, दैट वॉल इज कवर्ड बाय पेरिकार्डियम लेयर, एंड दिस पेरिकार्डियम इज डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स, आउटर फाइब्रस लेयर एंड इनर सिरस लेयर. अब यो सिरस लेयर जो है, इट्स इटसेल्फ अगेन डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स. एक है आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम एंड इनर विसरल पेरिकार्डियम. ठीक है, चलिए, तो आउट हार्ट इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय लेयर दैट इज कॉल्ड एज अ पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम इज इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स, आउटर फाइब्रस लेयर एंड इनर सिरस लेयर. इनर सिरस लेयर इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स, दैट इज आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम एंड इनर विसरल
पेरिकार्डियम, ठीक है ना। अब इन दो कार्डियम के बीच में, आउटर पेराइटल और इनर विसरल पेरिकार्डियम के बीच में, देयर इज अ कैविटी एंड दिस कैविटी इज व्हाट वी कॉल एज पेरिकार्डियल कैविटी। दिस इज व्हाट वी कॉल एज पेरिकार्डियल कैविटी। और इस पेरिकार्डियल कैविटी में एक किस्म का फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये कितना होता है? ये होता है 50 ml, ठीक है। तो आप याद रखेंगे पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, इन दो लेयर्स के बीच में होता है एक कैविटी जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी इज फिल्ड विद द फ्लूइड दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। कितना होता है? 50 ml होता है। और इसका काम क्या होता है? जब भी बाहर से कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, कोई धक्का वगैरह लगता है, तो उस टाइम जो ये हार्ट में एक इन दो लेयर्स के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ये उस इंजरी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। बाहर वाले से जो प्रेशर आता है उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करता है ताकि अंदर वाला जो हार्ट का टिश्यू है वो डैमेज ना हो। सो इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम इंजरीज एंड इट एक्ट्स एज द शॉक एब्जॉर्बर। ये क्या एक्ट करता है? एज शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया कि लोकेशन कहां पे है और किस तरीके से इसको बाहर का वॉल किस किस चीज का बना हुआ होता है। चलिए अब हम चलते हैं असल में जो स्ट्रक्चर का हार्ट होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। हार्ट जो है हमारा पता है कि मैमेलियन हार्ट जो होता है इट इज 4 chambered, इसमें 4 chambers होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूं। ये आप देखेंगे इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। तो ये इस तरीके से हार्ट का स्ट्रक्चर होता है। एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं है, तो आप बुक्स पे देख सकते हैं डायग्राम अच्छे तरीके से। तो यहां पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इंटरनली स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कैसा होता है, ठीक है। हाँ चलिए, ये 4 chambers क्या होते हैं? दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 4 chambers कौन है? राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, और नीचे से क्या होता है? राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो ये 4 chambers हमारे हार्ट में होते हैं। सो आवर हार्ट इज 4 chamber, ठीक है ना। इसमें 2 एट्रिया होते हैं, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि ये चैंबर्स किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? राइट एट्रियम की। विल बी टॉकिंग फर्स्ट अबाउट द राइट एट्रियम। चलिए पहले हम राइट एट्रियम के बारे में बात करते हैं। राइट एट्रियम, ठीक है, यानी कि ये वाला चैंबर राइट एट्रियम, ठीक है। ये राइट एट्रियम जो होता है ये रिसीव करता है, इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका काम क्या होता है? शबाश, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है ना। और ये राइट एट्रियम जो होता है इट्स वॉल्स आर थिनर। याद रखिएगा, इसमें वो वाले चैंबर्स जो ब्लड को रिसीव करते हैं उनके वॉल्स हमेशा थिन होते हैं, और जो चैंबर्स हार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जहां से बाहर निकलता है, जो पंप करते हैं ब्लड को, उनका जो वॉल होता है वो थिकर होता है एज कंपेयर टू अदर चैंबर्स, ठीक है। हाँ, और ये राइट एट्रियम जो होता है इट इज स्मॉलर देन राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, इट इज स्मॉलर देन लेफ्ट एट्रियम, और इसके वॉल्स भी क्या होते हैं? थिनर होते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये क्या रिसीव करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, यानी कि वो ब्लड रिसीव करता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, अब चलिए राइट एट्रियम जो है ये रिसीव कहां से ब्लड करता है, ठीक है ना, वो हम देखेंगे। चलिए, राइट एट्रियम जो होता है, यहां पर मैं लिखूंगा, एक्चुअली दिस राइट एट्रियम रिसीव्स
deoxygenated blood from great veins. From great veins. वो great veins कौन कौन सी है? तीन तरह की great veins होती है, ठीक है ना? एक तो यहां से होती है, ठीक है ना, और यहां से मैं दिखा, हालांकि एग्जैक्टली ये इसी तरीके से वेन्स नहीं होती है, वो आप डायग्राम में बुक पे किसी भी जगह पे देख सकते हो कि एग्जैक्टली किस तरीके से ये वेन्स राइट एट्रियम में डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है, ठीक है ना। सबसे पहला है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज, दिस इज कॉल्ड एज सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, एंड इसी तरीके से दिस इज व्हाट वी कॉल एज इनफीरियर वेना कावा, एंड दिस वेन इज कॉल्ड एज द कोरोनरी साइनस, ठीक है। चलिए, तो ये तीन ऐसी वेन्स हैं जो ब्लड को पहुंचाती हैं कहां पे, राइट एट्रियम में, और कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सुपीरियर वेना कावा की, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रीकावल वेन, क्या बोलते हैं इसको, प्रीकावल वेन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और ये कहां से ब्लड लाती है, ये कहां से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, फ्रॉम हेड, नेक, राइट आर्म, ठीक है ना, इन जगहों से लाती है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रियम। एक तो हेड से लाती है, एक तो नेक से लाती है, और राइट आर्म से लाती है, ठीक है ना। यानी कि ये यूजुअली फ्रॉम जो टॉप पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वहां से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। और याद रखिएगा, इसमें कोई वैल्व नहीं होता है, देयर इज नो वैल्व। जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं, तो सुपीरियर वेना कावा में कोई वैल्व नहीं होता है। वैल्व एक ऐसा स्ट्रक्चर है विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। यानी कि अगर इस वेन के जरिए से ब्लड आ गया राइट एट्रियम में, अब ये यहां पे वैल्व होता है, तो ये इसको वापस निकलने, इस ब्लड को राइट एट्रियम से बाहर नहीं निकलने देता है, ठीक है ना। ये वैल्व का काम होता है। लेकिन सुपीरियर वेना कावा में, जब हम ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं, यहां पर इसमें कोई वैल्व नहीं होता है। लेकिन अगर हम बाकी मैमल्स की बात करें, तो वहां पर एक वैल्व होता है जिसको हम बोलते हैं हैवर्शियन वैल्व। व्हाट्स दैट वैल्व कॉल्ड एज, हैवर्शियन वैल्व। तो मैमल्स के हार्ट में होता है सुपीरियर वेना कावा में वैल्व, दैट्स कॉल्ड हैवर्शियन वैल्व। लेकिन ह्यूमन हार्ट के सुपीरियर वेना कावा में कोई वैल्व नहीं होता है, क्योंकि यहां पर वैल्व की जरूरत भी नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ऊपर से ब्लड ला रहा है, तो कोई चांस ही नहीं कि अब नीचे से ऊपर की ओर ब्लड वापस बैक फ्लो हो जाए, ठीक है। तो इसी वजह से इसमें कोई वैल्व नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज द सुपीरियर वेना कावा। व्हाट इज द सेकंड वेन, अब दूसरी वेन कौन सी है, दूसरी वेन हमारे पास जो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, दैट वेन इज व्हाट वी कॉल एज इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। अभी इंफीरियर वेना कावा कहां से ब्लड लाती है, इट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम ऑल अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, फ्रॉम ऑल अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। यानी कि सुपीरियर वेना कावा जहां से लाती है ब्लड, उनको छोड़ के जो भी ब्लड बॉडी में पार्ट्स हैं, उन सब पार्ट्स से जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है राइट एट्रियम में, दैट इज इंफीरियर वेना कावा, ठीक है ना। और इसमें एक वैल्व होता है, दैट इज कॉल्ड एज द यूस्टेशियन वैल्व, That's called as the eustachian valve. तो उस valve को क्या बोलते हैं, यहां पे valve होता है जिसको हम बोलते हैं eustachian valve, which prevents the backflow of the blood into the inferior vena cava, ठीक है। हाँ, अब चलिए, इस inferior vena cava का दूसरा नाम है, इसको हम बोलते हैं post precaval vein. सुपीरियर वेना कावा का दूसरा नाम था प्रीकेवल वेन, इन्फीरियर वेना कावा का दूसरा नाम है पोस्ट प्रीकेवल वेन, ठीक है। तो ये हो गया इन्फीरियर वेना कावा। इसी तरीके से तीसरी है, तीसरी वेन है कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस। तो ये कोरोनरी साइनस है, इट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ हार्ट,
जैसे बाकी ऑर्गन से, जैसे बाकी बॉडी के ऑर्गन से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में, इसी तरीके से हार्ट भी एक ऑर्गन है, इसमें भी, इससे भी, इसके वॉल्व से भी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है। तो उस डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में पहुंचाता है कौन? कोरोनरी साइनस, ठीक है ना। और इसमें भी एक वैल्व होता है जिसको हम बोलते हैं थिबैशियन वैल्व। क्या बोलते हैं? थिबैशियन वैल्व। सो ये हो गया क्या? राइट एट्रियम। और दूसरी चीज आप राइट एट्रियम के बारे में याद रखेंगे, दिस राइट एट्रियम इज सेपरेटेड, दिस राइट एट्रियम इज सेपरेटेड बाय दिस सेप्टम। दिस सेप्टम इज कॉल्ड एज द इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या बोलते हैं इसको? इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं इसको, जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करता है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को भी एक सेप्टम यहां पे सेपरेट करता है, दिस इज कॉल्ड एज द एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, ठीक है। तो राइट एट्रियम इज सेपरेटेड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम बाय इंटर एट्रियल सेप्टम, राइट एट्रियम इज सेपरेटेड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल फ्रॉम थ्रू एट्रियो वेंट्रिक्यूलर septum। So this was all about the right atrium, that is, it receives the deoxygenated blood from great veins, superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinus। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हमें देखना है जो next chamber है heart का, that is what we call as the right ventricle। ठीक है, यानी कि आप हमें इसकी बात करनी है राइट वेंट्रिकल की, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना। राइट वेंट्रिकल जो है इसके भी वॉल्व्स होते हैं, इट्स वॉल्व्स आर आल्सो थिनर, इसके भी वॉल्व्स बहुत पतले होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी स्मॉलर होता है, स्मॉलर देन लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जिस तरीके से राइट एट्रियम वॉज स्मॉलर देन लेफ्ट एट्रियम, इसी तरीके से राइट वेंट्रिकल इज स्मॉलर देन लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब चलिए राइट वेंट्रिकल का काम क्या होता है। अब चलिए जो राइट एट्रियम में डिऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया, अब इस ब्लड को पहुंचाना होता है किसमें? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है ना। अब यहां पर आप याद रखेंगे, यहां पर एक एपर्चर होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक एपर्चर होता है, जिस एपर्चर को हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिक्यूलर, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर एपर्चर। और ये एपर्चर जो होता है इट इज ट्राइकस्पिड। इस एपर्चर में एक वैल्यू होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वैल्यू, यानी कि ये ऐसा होता है कि इसमें तीन कस्प्स होते हैं, ठीक है ना। दिस इज वन कस्प, दिस इज अनदर कस्प, दिस इज अनदर कस्प। तो ये ट्राइकस्पिड वैल्यू। कस्प क्या होता है? कस्प्स आर एक्चुअली फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, ये थोड़े से बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब जब यहां से ब्लड आता है तो ये ऐसे खुल जाते हैं और ब्लड पहुंच जाता है किसमें? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है ना। अब चलिए ये तो ब्लड, मान लीजिए ब्लड पहुंच गया किसमें? राइट वेंट्रिकल में। जब यहां से ब्लड आता है तो ये इस वैल्यू को ओपन करता है, फोर्स जो ब्लड का होता है ये इस वैल्यू को ओपन करता है, ट्राइकस्पिड वैल्यू को ओपन करता है और ब्लड पहुंचता है किसमें? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है जो इस राइट वेंट्रिकल का वॉल होता है, यहां पर होते हैं मस्क्यूलर एलिवेशंस। क्या होते हैं? मस्क्यूलर एलिवेशंस। इन मस्क्यूलर एलिवेशंस को हम क्या बोलते हैं? शाबाश, किसी को पता है? इन मस्क्यूलर एलिवेशंस को हम बोलते हैं ट्रैबिक्यूली कार्नी। क्या बोलते हैं? दीज मस्क्यूलर एलिवेशंस आर कॉल्ड एज द ट्रैबिक्यूली कार्नी, या इनको हम बोलते हैं कॉलुमनी कार्नी, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं राइट वेंट्रिकल के वॉल में छोटी छोटी मस्क्यूलर एलिवेशंस होती हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रैबिक्यूली कार्नी और कॉलुमनी कार्नी, ठीक है ना। अब इन ट्रैबिक्यूली कार्नी से छोटे छोटे मस्क्यूलर पिलर्स, थ्री मस्क्यूलर पिलर्स अराइज होते हैं। इन मस्क्यूलर पिलर्स को हम बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं? पैपिलरी मसल्स, ठीक है ना। अब इन पैपिलरी मसल से छोटे छोटे फाइबर्स अराइज होते हैं, छोटे छोटे फाइबर्स अराइज होते हैं
विच गेट कनेक्टेड विद द ट्राइकस्पिड वैल्यू. मैं बता रहा हूं आपको, राइट वेंट्रिकल के वाल में होता है मस्कुलर एलिवेशंस, जिसको हम बोलते हैं ट्राइबिक्यूली कार्नी और कॉलमनी कार्नी. इस ट्राइबिक्यूली कार्नी से अराइज होते हैं तीन मस्कुलर पिलर्स, ठीक है ना. उन मस्कुलर पिलर्स से अराइज होते हैं छोटे छोटे मस्कुलर फाइबर, जिनको हम बोलते हैं क्या, जिनको हम बोलते हैं कॉडी टेंडिनी हम इनको नाम देते हैं, ठीक है ना. हाँ, अब इनका काम क्या होता है, जैसे दरवाजे के पीछे स्प्रिंग लगा होता है वैसा ही इनका काम होता है. जैसे यहां से ब्लड आ गया इसमें, ठीक है ना, राइट वेंट्रिकल में. अब राइट वेंट्रिकल क्या करता है, राइट वेंट्रिकल जो पूरा भर गया ब्लड से, यह अब कोशिश करता है कि इस ट्राइकस्पिड वैल्व को ये ऊपर की ओर खींचे. लेकिन जब ये ऊपर की ओर खींच जाता है तो ये ट्राइबिक्यूली कार्नी, ये मस्कुलर फाइबर जो है, ये इस ट्राइकस्पिड वैल्व को वापस लाते हैं, ठीक है ना. उस टाइम पहला साउंड प्रोड्यूस होता है जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया, उसको हम बोलते हैं S1 साउंड और लव साउंड, ठीक है ना. तो इनका यही काम होता है, ठीक है ना. और ये अब मान लीजिए अब पहुंच गया ब्लड किस में, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है ना. अब चलिए मैं इसको फिर से यहां पर बनाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए. This is right atrium, this is left atrium, this is right ventricle and this is left ventricle, ठीक है ना. अब मान लीजिए यहां पे है tricuspid valve, ठीक है ना. अब ब्लड किसमें पहुंच गया, राइट वेंट्रिकल में. अब राइट वेंट्रिकल को यहां से होता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वैल्व. यहां पे एक वैल्व होता है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वैल्व, ठीक है ना. हाँ, तो ये पल्मोनरी वैल्व जो है यहां से दो आर्टरीज अराइज होती हैं, यहां से दो आर्टरीज अराइज होती हैं जो कि जाती हैं कहां पे, जो लंग्स के पास जाती हैं, ठीक है ना. एंड दीज टू आर्टरीज आर व्हाट वी कॉल एज द पल्मोनरी आर्टरी. ये दो पल्मोनरी आर्टरीज अराइज होती हैं फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल. और मान लीजिए राइट वेंट्रिकल इज फुल विद ब्लड. अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा किसमें, पल्मोनरी वैल्व में. पल्मोनरी वैल्व से जाएगा ये पल्मोनरी आर्टरी में. अब आपको याद रखना है कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी बताया है कि ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सारे आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. इसमें कौन सा ब्लड होता है, आप देख रहे हैं यहां से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया. अब राइट वेंट्रिकल से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया पल्मोनरी आर्टरी में. इसका मतलब ये है दैट पल्मोनरी आर्टरीज आर कैरिंग द डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है. हाँ, तो अब जब लंग्स के पास ये ब्लड पहुंच गया, हमें पता है कि जो हम सांस लेते हैं, जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ये तो लंग्स में पहुंच जाता है, ठीक है ना. और लंग्स ही वो जगह है जहां पर ब्लड को ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है ना. अब जब लंग्स में से इस ब्लड को ऑक्सीजन मिल गया, अब लंग से अराइज होती है फोर ग्रेट वेन्स. क्या अराइज होती है, फोर ग्रेट वेन्स. जहां से जैसे राइट एट्रियम में थ्री ग्रेट वेन्स ने डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाया था, इसी तरीके से लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती हैं फोर ग्रेट वेन्स, ठीक है ना. लेकिन ये फोर ग्रेट वेन्स कहां से आती हैं, ये आती हैं लंग से और एंटर होती है इंटर लेफ्ट एट्रियम. लेकिन ये जो यहां पे वेन्स होती है इनको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स. क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन्स. और यहां पर भी एक्सेप्शनल केस है. वी नो दैट ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सारी वेन्स में वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, बट एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन्स, क्योंकि इनमें ये यहां से लंग से क्या ला रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, ठीक है ना. अब जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है तो कहां पे ले जा रही है, इनटू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है. अब चलिए लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पहुंच गया, ठीक है ना. लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड पहुंच गया तो लेफ्ट एट्रियम, मैंने पहले ही आपको बताया राइट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम आर सेपरेटेड बाय दिस सेप्टम, दिस कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है ना. और याद रखिएगा, यहां पे मैं आपको भूल ही गया, जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम है, दिस इज कॉल्ड एज द इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम. इसको बेटा क्या बोलते हैं, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, क्योंकि इंटर मीन्स विद इन, बिटवीन द टू वेंट्रिकल्स जो सेप्टम होता है दैट्स कॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. जो दो एट्रियास के बीच में था दैट्स कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है ना. हाँ, अब लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट कौन कर रहा है राइट एट्रियम से, दिस इंटर एट्रियल
सेप्टम, ठीक है ना। अब जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया, इसका सिर्फ इतना काम होता है कि इसको ये ऑक्सीजन, अब कौन सा ब्लड है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम कंटेन्स नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें कौन सा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें होता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम जाता है कहां पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है ना। और यहां पर भी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है कौन सा सेप्टम, जैसे यहां पर राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के बीच में ये वाला सेप्टम था, दिस इज कॉल्ड एज द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी तरीके से यहां पर भी ये वाला सेप्टम है, दिस इज कॉल्ड एज द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। जैसे इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, इसी तरीके से इसको भी एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। जैसे मैंने यहां पर दिखाया है, दिस इज द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम। अब यहां पर एट्रियोवेंट्रिकल है, यहां पर एट्रियोवेंट्रिकल है, तो दोनों जगहों पे आपको मिलेगा एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अब इसी एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में यहां पर और एक एपर्चर होता है, जैसे यहां पर ये एपर्चर था, इस एपर्चर को हमने नाम क्या दिया, इस एपर्चर को हमने नाम दिया ये वाला एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर, यानी कि ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में ये एपर्चर है। इसी तरीके से यहां पर भी एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में एपर्चर है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर। लेकिन इस एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर में जो वैल्यू होता है, दैट इज अ बाइकस्पिड वैल्यू, तो इसका मतलब यहां पर जो वैल्यू है, दिस इज अ बाइकस्पिड वैल्यू, यानी कि इसमें दो ही कस्प्स होते हैं, और जब यहां से ब्लड पुश करता है इस वैल्यू को, तो इसमें ये दो कस्प्स ओपन हो जाते हैं और ब्लड पहुंच जाता है किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो इस तरीके से ब्लड फ्रॉम ग्रेट वेन्स रीच्ड इनटू द लेफ्ट एट्रियम, एंड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम द ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बाइकस्पिड वैल्यू, ठीक है। अब चलिए यहां पर हमारे पास अब क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में आप याद रखेंगे, इट इज द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट, ठीक है, लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ, सबसे बड़ा चैम्बर होता है हार्ट का, और इसके जो वॉल्स होते हैं वो सबसे थिक होते हैं, वॉल्स आर थिकर, यानी कि इसके जो वॉल्स होते हैं इतने किसी के वॉल्स थिकर नहीं होते हैं जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल्स होते हैं, ठीक है ना। अब चलिए लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया, यहां पे भी आपको मस्कुलर एलिवेशंस मिलेंगी, जैसे यहां पे आपको ये मस्कुलर एलिवेशंस मिली थी लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, इनको हमने क्या बोला, ट्रैबिक्यूली कार्नी और कॉलमनी कार्नी, तो यहां पर भी इनको हम कहेंगे क्या, ट्रैबिक्यूली कार्नी और कॉलमनी कार्नी। अब यहां पर ट्रैबिक्यूली कार्नी से तीन मस्कुलर पिलर्स अराइज हुए थे, अब इसी तरीके से यहां पर भी मस्कुलर पिलर्स अराइज होते हैं, लेकिन दो ही मस्कुलर पिलर्स अराइज होते हैं, और उन मस्कुलर पिलर्स को हम क्या नाम देते हैं, ये तीन मस्कुलर पिलर्स अराइज हो गए, इनको हमने नाम दिया पैपिलरी मसल्स, तो यहां पर हम इनको नाम देते हैं पैपिलरी मसल्स, ठीक है। अब पैपिलरी मसल्स से अराइज होते हैं छोटे छोटे फाइबर्स, ठीक है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, जैसे यहां पर इन फाइबर्स को हमने नाम दिया कॉडी टेंडिनी, तो यहां पर भी इनको नाम देंगे कॉडी टेंडिनी, लेकिन यहां पर कॉडी टेंडिनी विल बी अटैच्ड विद द बाइकस्पिड वैल्यू, यहां पर कॉडी टेंडिनी अटैच हो जाते थे किसके साथ, ट्राइकस्पिड वैल्यू के साथ, और यहां पर कॉडी टेंडिनी अटैच विद द बाइकस्पिड वैल्यू। और जो ही लेफ्ट एट्रियम से ब्लड पहुंचता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल गेट्स फिल्ड विद द ब्लड, अब लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है ये पुश करता है इस बाइकस्पिड वैल्यू को ऊपर की ओर, लेफ्ट एट्रियम की ओर, लेकिन जो कॉडी टेंडिनी है ये इन फ्लैप्स को, ये इस वैल्यू को अपनी जगह वापस लाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर भी साउंड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, तो उसको भी हम बोलते हैं S1 साउंड, ठीक है। हाँ, अब चलिए पहुंच गया ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है ना। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से इस ब्लड को बाहर निकलना है, तो यहां पर एक वैल्यू होता है जिसको हम बोलते हैं एओर्टिक वैल्यू, क्या बोलते हैं, एओर्टिक वैल्यू, तो यहां पे कौन सा वैल्यू था, पल्मोनरी वैल्यू, यहां पे है एओर्टिक वैल्यू, तो एओर्टिक वैल्यू से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा थ्रू द ग्रेटेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज द एओर्टा, तो यहां से निकलती है आर्टरी जिसको हम बोलते हैं एओर्टा, और यही एओर्टा जो है यही पूरी बॉडी को सप्लाई करता है क्या, ऑक्सीजनेटेड
ब्लड. सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. इसके अलावा आप याद रखेंगे जो ये पल्मोनरी वैल्व, ये वाला वैल्व पल्मोनरी वैल्व प्लस एओर्टिक वैल्व, इन दोनों को हम इकट्ठे बोलते हैं सेमिल्यूनर वैल्व्स. सेमिल्यूनर वैल्व्स, ठीक है ना. और इसी तरीके से जैसे यहां पर ट्राइकस्पिड वैल्व था, यहां पे बाइकस्पिड वैल्व था. सो ट्राइकस्पिड वैल्व प्लस बाइकस्पिड वैल्व, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं. तो इस ट्राइकस्पिड वैल्व और बाइकस्पिड वैल्व को हम इकट्ठे मिला के क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं एवी वैल्व्स. एवी वैल्व्स का मतलब है एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व्स, क्योंकि यहां पे ट्राइकस्पिड वैल्व इट इज बिटवीन द एट्रिया, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना. तो ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व है. तो यहां पर बाइकस्पिड वैल्व किसके बीच में है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, सो इट इज बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल, ठीक है ना. तो इसी वजह से ट्राइकस्पिड वैल्व और बाइकस्पिड वैल्व को हम इकट्ठे मिला के बोलते हैं एवी वैल्व्स, ठीक है ना. इसके अलावा अगर आपको कोई पूछेगा नंबर ऑफ वैल्व्स इन हार्ट, तो नंबर ऑफ वैल्व्स इन हार्ट कितने हैं, तो एक तो ये वाला वैल्व है ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी, एओर्टिक वैल्व, तो कितने वैल्व्स हो गए टोटल में, चार. अब आपको कोई पूछेगा नंबर ऑफ कस्प्स, कितने कस्प्स हैं हार्ट में, ठीक है ना. तो यहां पे ट्राइकस्पिड वैल्व है हो गए तीन, यहां पे बाइकस्पिड वैल्व है दो, गए दो कस्प्स, तीन और दो हो गए पांच. और यहां पे जो ये पल्मोनरी वैल्व और एओर्टिक वैल्व होता है, ये दोनों होते हैं ट्राइकस्पिड वैल्व्स, याद रखिएगा दीज टू आर बोथ ट्राइकस्पिड वैल्व. तो ये भी ट्राइकस्पिड, दिस इज बाइकस्पिड. तो यहां पे तीन कस्प्स, तीन और तीन हो गए छह, छह और तीन हो गए नौ, नौ और दो हो गए 11. तो टोटल कस्प्स कितने हैं, 11. तो टोटल वैल्व्स इन हार्ट आर 4 एंड टोटल कस्प्स इन हार्ट आर 11. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टोटालिटी, टोटल स्ट्रक्चर ऑफ द human heart. Hope you understood this topic, and if you have understood this topic, don't forget to subscribe the channel, don't forget to share this video, like this video, so that it could reach to all those students who are in need of these kind of videos, of these kinds of topics. Okay, we'll meet in the next lecture with a new video. Till then, thank you very much.